जिंदगी में ये बात मिलती है कि आपके जितने दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, सिवाय इसके कि जिनके अंदर ऐनाद और जिद थी। जिद के एक होता है ऐनाद, अकड़ अपनी जिद, उनको हिदायत नहीं होती, उनको अल्लाह छोड़ देते, फिर वो हक पर नहीं आते। वो जिनमें जिद नहीं होती, माहौल का असर होता है, ये तबीयत का असर होता है, तो फिर वो इस किस्म के बर्ताव से, इस किस्म के माहौल से वो नरम पड़ जाते हैं, फिर उनकी सलाहियतें दीन पर आ जाती है। वो हमारा यही मकसद है, इंसानों की सलाहियतें अल्लाह पर लगे, आखिरत बनाने पर लगे। जो दिन अल्लाह ताला ने इत्तेबा करने के लिए दिया है उस दीन पर सलाहियतें लगे। हिमालय इसको कहते हैं कि सलाहियतों को माहिर करो इसकी तरफ, यहां की तरफ, से अपने मेहनतों से, अपने कुर्बानियों से, अपने अखलाक से और अपनी दुआ से। ये चौथी बात है कि अपनी दुआ से, इनके लिए दुआ मांगो, दुआ मांगो। जैसे हजरत उमर के लिए हुजूर ने दुआ मांगी, उमर या अबू जहल इनमें से एक को हिदायत हो जा गए, तो अब हजरत उमर के लिए वो दुआ कबूल हो गई। वो जिंदगी था अबू जहल, उसको ये बात नहीं मिली, अच्छा तुम्हार को मिल गई। तो दुआ भी एक काम है, क्योंकि दुआ खैरखाई का नाम है। दुआ में क्या होता है, दुआ में खैरखाई होती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं क्योंकि उनके खैरखाई है। तो हमारे काम में ये भी है कि दुआओं से, अखलाक से, अपनी कुर्बानियों से, अपनी मेहनत से अल्लाह ताला के दीन को पानी पहुंचाना, ये हमारा तरीका है। क्या चाहना है, क्या आखिरत चाहना है, क्या लोगे, क्या आखिरत लोगे, आखिरत नहीं और कुछ नहीं। ये मुखलिसीन है, ये मुखलिसीन ये हिदायत के चिराग होते हैं, हिदायत के चिराग होते हैं। अल्लाह ताला ने दीन को आमाल का मजमुआ बनाया है, जिसमें अकायद भी है, जिसमें आमाल भी है, इसमें अखलाक भी है, इसमें इंसाफ भी है, आमाल का मजमुआ। हजरत साहबा आप हजरात पढ़ते हैं, देखना उसमें इंसाफ, ये हमारा इंसाफ है, एक पूरा बाब है हजरत साहब है, इंसाफ का बाब। इस तरह नमाज रोजे इसके इंसाफ का बाब। बुजुर्ग को हुक्म था कि इंसाफ से रहो, उमिर तो लिहा दिला भाई नको, मुझे हुक्म है कि तुम्हारे अंदर मैं इंसाफ से रहूं। इब्राहिम देवली देव देवला लेकिन इब्राहिम इब्राहिम और साथ में ये भी लिखने के पुरानों का जोड़, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की दावत दी है। पुरानों का जोड़ पुराने इंसाफ के रहो, इंसाफ से रहने का क्या मतलब है, जो चीज अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए ना पसंद करो वो दूसरों के लिए ना पसंद करो। ये भी इसको क्या कहते हैं, इसको इंसाफ कहते हैं। नहीं दे रहा क्यों, इसे क्या होगा, ये पढ़ने दोनों बराबर ये होता है खुद ही इंसाफ। फिर माशरे में हुकूक की पायमाली नहीं होगी, बल्कि हकदार को हक मिलेगा। जो चीज अपने लिए पसंद करता हूँ वो अपने भाई के लिए पसंद होगा, तू जो चीज अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए पसंद कर, तो तू मोमिन बनेगा। पांच मिनट और चार मिनट काफी, बस अब इसको इंसाफ का हुक्म दिया है।